अल्लाह का रसूल फरमाते हैं, जो नास मन हसना मिनकुम फी हादस शहर खुल्कहू, ए लोगो, इस मुबारक महीने में तुम में से जो भी अपने इखलाक को अच्छा बना ले, अपने इखलाक को हसीन कर ले, तो क्या मिलने वाला है। कान लहू बेजालिका जवाज़न अला सिरात, उसके लिए है उस दिन एक अजर व सवाब जबकि पुले सिरात पर से गुजरना, गुजरने का इजाजत नामा उसके पास होगा, इसके इखलाक उमदा होंगे। हम रिवायात में ये गौर करते हैं कि क्या पुले सिरात भी कोई हकीकत रखता है, क्या पुले सिरात को पुल बना हुआ है, इस पर से इंसान गुजर कर चलेगा, वो ऐसा पुल है इस पर से चलना आसान नहीं है, या कोई ऐसी इम्तिहान का रोज कयामत है कि जहां जो अपने आप को जहन्नुम से बचा गया और जन्नत में पहुंचा गया वो कामयाब हो गया। पुले सिरात की वजाहत क्या है, और फिर मासूम का फरमान कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम की विलायत तो मोहब्बत, पुले सिरात पर से गुजरने का जवाज है, यानी कि जवाज इखलाक माह रमजान का, जवाज मोहब्बत मौलाए मुत्तकियान की, और तीसरा जवाज जो इंशाअल्लाह खुदा हम सबको नसीब करे, वो तीन किताबों का हवाला, किताब वसाइल शिया हो, किताब बिहारुल अनवार हो, या अवालिमुल आलम किताब का नाम हो, और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज्यारत के सवाब के बारे में, कि जो जन्नतुल बकी में कब्र मुश्तबा की ज्यारत करे, तो जन्नतुल बकी में, जन्नतुल बकी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज्यारत करे, उस दिन उसके कदम मजबूत होंगे, इस दिन कयामत के मैदान में लोगों के कदम डगमगा रहे होंगे। तो कब्र मुश्तबा की ज्यारत, मौलाए कायनात की मोहब्बत, और माह रमजान में इखलाक हसना, ये तीन रिवायात तो बहुत सामने सामने जमा हो गई। क्या इन तीन रिवायात को मुख्तलिफुल मिजाज कहेंगे, मौला की मोहब्बत कुछ और बनाती हो, मुश्तबा की कब्र की ज़ियारत कुछ और समझाती हो, और इखलाकियात इंसान को कहीं और ले जाते हों, तो ये तकलीफ माला युताक हो जाएगा कि एक दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, एक सामने की तरफ। लेकिन कमाल इश्क आले मोहम्मद का पैगाम यही है कि तीन बातें हैं मगर पैगाम एक है, सवाब तीन तरह के मगर तीनों का उनवान एक है, जिसको मौलाए कायनात की मोहब्बत नसीब हो गई उसकी पहचान ये कि बद इखलाक ना रहा साहिब इखलाक हो गया।